हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शाली जान ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम करेक्ट होंगे। ये क्या है मेरे हाथों में? ये है बेर 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 ये बेर पके वाले जो बेर होते हैं ना, वो है। और आप लोगों को मेरी शादी की जो मैंने वीडियोस ब्लॉग डाले थे कैसे लगे? आई होप बहुत अच्छे लगे सभी लोगों को। आप लोग ने मुझे कमेंट करके भी बताया। तो शादी तो हो गई है, अब ब्लॉगिंग कर लें। तो ब्लॉग करने ब्लॉगिंग करने के लिए स्टार्ट हो गई। मैंने कहा हाँ चलो स्टार्ट कर दूँ। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है जिसका कोई कहना नहीं। माजी सटक ली सच में। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे नहीं मई जून की गर्मी पड़ती है, उस टाइप की गर्मी है। पूरी बैंड बज गई है सबके। और हमारे तो रात में लाइट भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, खराब हो गई क्या हो गई। पूरी आधी रात तक हमें लगता 11 बजे तक शायद नहीं आई, मैं तो सो भी गई, पता भी नहीं चला, आई नहीं। बहुत गर्मी है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, आज देखते हैं क्या बनाते हैं। जो बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर होगा। तो चलने का देखने का क्या बनने का। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे करौंदा मिर्च। तो रेडी, ये है करौंदा मिर्च, प्याज, हल्दी, धनिया, नमक, जीरा। और इसमें हम लोग मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च तो ऑलरेडी है ही उसमें। तो हमने ये डाला तेल में जीरा, जीरा चटक जाए। और फिर ये हम डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज थोड़ा ज़्यादा काटिएगा ताकि, क्योंकि जो करौंदा मिर्च होते हैं वो बनने के बाद बना बहुत थोड़े से हो जाते हैं, और प्याज डाल दो तो थोड़ा सहलाते भी हैं। सो देखो मैंने प्याज डाल दी और अच्छे भी लगते हैं खाने में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे प्याज बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने प्याज, और ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, थोड़ा हल्का सा भून जाए अध कच्चा। और ये देखिए अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं चला रही हूँ इसको। और अब मैं डालूँगी इसमें करौंदा मिर्च। ये देखिए मैंने डाल दिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ना फ्रेंड्स करौंदा मिर्च खाने में। मुझे तो बहुत बहुत, मेरी फेवरेट सब्जी है करौंदा मिर्च, मुझे बहुत पसंद है रियल में। सो ये देखिए मेरी करौंदा मिर्च को अच्छे से मिला लेना है हमें। और ये मैं इसमें डाल दूँगी इसमें मसाले, खटाई डालनी नहीं होती, मिर्च डालना नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये खट्टे तो होते ही हैं करौंदा, और मिर्च भी होती है। सो ये देखिए हमारी सब्जी अध पकी हो गई है और इसको मुझे चलाते रहना है। सो ये चल रहा है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स आप भूल जाते हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सो ये देखिए मेरी सब्जी रेडी है, आ जाइए सभी लोग प्लीज़। अच्छी लगी हो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन बटन। और पिछले वाला डायलॉग हरे कृष्णा वेलकम बैक टू अगले ब्लॉग।